Hello friends, today's session is for teachers. For the teachers who are aspiring to have their own coaching center. If you are planning to establish a new coaching center, this session is fruitful for you. अगर आपका कोई existing institute है, कोई coaching center है, तो मेरे बहुत सारे videos हैं जो आपकी help करते हैं कि आप अपने existing coaching center की growth कैसे कर सकते हैं, उसे boost कैसे कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होना चाहिए, टीचिंग टेक्निक्स कौन सी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी तक कोई भी वीडियो ऐसा नहीं आया था जिसमें मैंने नए कोचिंग सेंटर को ओपन करने के टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हों। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन, अगर आप नया कोचिंग सेंटर प्लान कर रहे हैं, अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, तो ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है। कोचिंग सेंटर शुरू करने का सही टाइमिंग कैसे चुने, कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है या कौन सा नहीं, स्पेस कितना होना चाहिए कितना नहीं, एम्बियंस कैसा होना चाहिए, किस तरह की लोकेलिटी आपको चूज करनी है, यही सब आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है। इसमें मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कुर्सी टेबल आपको कैसी रखनी है और कैसी नहीं रखनी है, स्टूडेंट्स को किस तरह से टारगेट करना है, उनको किस तरह से कॉल करना है, किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूं वीडियोस में। आज हम एक कदम पीछे चलते हैं। नया इंस्टीट्यूट शुरू करने से पहले आप बाकी सब बातों की तरफ जाएं, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सही समय चूज करना है। किसी भी इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने के लिए टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मिड सेशन में अपना कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्ट्रेंथ काफी कम रहेगी, नए स्टूडेंट्स आपके पास में काफी कम आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी दूसरे कोचिंग सेंटर्स में एडजस्ट हो चुके होते हैं, दूसरे टीचर्स के साथ में एडजस्ट हो चुके होते हैं। नया सेशन अगर अप्रैल मंथ में शुरू होता है तो आप कोशिश कीजिए कि मार्च के स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दीजिए, ताकि उस एक महीने में आसपास की लोकेलिटी में लोगों को पता लग जाए कि फला कोचिंग सेंटर उनके एरिया में खुल चुका है और वो उनके लिए एक ऑप्शन है। अर्बन लोकेलिटीज में जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रैल मंथ में सेशन के स्टार्टिंग में ही कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करवा देते हैं। हालांकि रूरल एरियाज में फिर भी देखा गया है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वो मिड सेशन में भी अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी लोकेलिटी अर्बन है तो आपको तो सेशन के शुरू में कोचिंग ओपन कर ही देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रूरल लोकेलिटी में भी हैं तो भी कोशिश यही कीजिए कि आप सेशन शुरू होने से पहले ही अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दें, वो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग होगी। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में रिक्रिएशनल कोर्सेज करवाते हैं, अबाकस कोर्सेज करवाते हैं, या फिर म्यूजिक क्लासेस या डांस क्लासेस देते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स के टीचर हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि समर वेकेशंस शुरू होने से पहले ही आप अपने इंस्टीट्यूट को शुरू कर दें, अपनी क्लासेस को शुरू कर दें, वो टाइम आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह के कोर्सेस स्टूडेंट्स समर वेकेशंस में बहुत ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। स्टाफ की बात करते हैं, इस बारे में भी आप जानना या समझना जरूर चाहते होंगे। अगर आप नया कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, पहली बार ओपन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए जो कि अपने अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हैं। अगर आप अपने साथ ऐसे दो तीन कोलिग्स को जोड़ लेते हैं, या फिर आप उनके साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपके पास हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड लोग होंगे। दूसरा यह होगा कि अगर आप उनके साथ में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका रिस्क काफी कम होगा, जैसे कि रेंट पे करना और दूसरे एक्सपेंसेस पे करना। अगर शुरुआत में किसी वजह से आपका काम अच्छा नहीं भी चल पा रहा है तो वो सब कुछ शेयर हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में नहीं करना चाहते हैं, डोंट वरी, आप टीचर्स को हायर कीजिए। आप टीचर्स को शेयरिंग बेसिस पर भी हायर कर सकते हैं और सैलरी बेसिस पर भी।
अब शेयरिंग बेसिस आपकी लोकैलिटी में किस तरह से चलता है वो आपको ही चूज करना है। सैलरी आपकी लोकैलिटी में किस तरह से पे की जाती है वो आपको ही चूज करना है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप अपने यहाँ हायर किए हुए टीचर्स को अच्छी सैलरी पे कीजिए। कोशिश कीजिए कि शेयर जो रेशियो है वो आप उनको बेस्ट ऑफर करें, क्योंकि अगर आप उनको बेस्ट ऑफर्स देंगे तो वो आपके यहाँ ज़्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे, ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाएंगे। आप उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दीजिए, अपनापन दीजिए, आप देखिएगा इसका बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि रजिस्ट्रेशन आपको इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है, कब करवाना है और कब नहीं करवाना है। यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग लेवल पर है, शुरुआती दौर में है, तो आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आप करवा लेते हैं लेकिन उसके एग्जिस्टिंग स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे खासे खर्चे करने पड़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपने अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक ट्रेड लाइसेंस ले लिया तो वो हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिन्यूअल फीस हर साल देनी पड़ेगी। अगर आपने अपने कोचिंग सेंटर के लिए जीएसटी नंबर ले लिया है तो वो जीएसटी नंबर मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर आईटीआर भरनी पड़ेगी, अकाउंटेंट को पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप कोई करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जो भी उस बैंक की मिनिमम मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट है या जो भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है 10-15-20 हज़ार रुपए, वो आपको अपने खाते में हमेशा ब्लॉक करके रखने पड़ेंगे। कुछ कोचिंग सेंटर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने स्टार्टिंग में अपने इंस्टीट्यूट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करवा लिया। अब उन्होंने रजिस्टर तो करवा लिया, रजिस्टर करवाने के बाद उनको पता लगता है कि इस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उनको अच्छे खासे खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, शुरुआती दौर में कोई भी रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो जैसे जैसे ग्रोथ होती रहे, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहे, जरूरतें आपके सामने आती रहे, वैसे वैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते रहिए। स्पेस कैसा हो, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए अच्छे खासे स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। या तो आपके पास में काफ़ी बड़ा हॉल होना चाहिए, आप उसके पार्टीशन कर लीजिए, या फिर आप कोई 2 रूम 3 रूम या 4 रूम का सेट जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा कोई स्पेस बना लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक रूम में अगर कॉमर्स की क्लास चल रही है तो दूसरे रूम में आप आराम से एग्जिस्टिंग बैच को डिस्टर्ब किए बिना साइंस की क्लास भी चला सकते हैं, एक साथ आप 2-3 तरह की क्लासेस वहां पर चला सकते हैं। तो स्पेस अगर आपके पास में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में स्पेस नहीं है, आप ज़्यादा रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपके पास अपनी जगह नहीं है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये बात आपकी सक्सेस में किसी तरह की रुकावट बनने वाली है, क्योंकि आपकी सक्सेस आपके स्पेस से ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहें तो कोई छोटा सा रूम रेंट पर लेकर भी शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएं वैसे वैसे आप अपना स्पेस बढ़ाते चले जाएं। एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मिल जाएंगे जहां पर आपने देखा होगा कि लोगों ने बड़ी छोटी जगह से अपने काम शुरू किए और अपने आप को कहीं और ही पहुंचा लिया। अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है तो बेशक आप छोटी जगह से शुरू कीजिए, छोटे किसी रूम से शुरू कीजिए, क्योंकि टॉप फ्लोर पर जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी पर कदम रखना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट है लोकैलिटी। आप अपने इंस्टीट्यूट को, कोचिंग सेंटर को कोशिश करें कि रेजिडेंशियल एरिया में ही रखें, कॉमर्शियल एरिया में ना रखें। यहाँ कॉमर्शियल एरिया से मेरा मतलब किसी ऐसी लोकैलिटी से है जहाँ पर आपके अगर कोचिंग सेंटर के आपके कोचिंग सेंटर के बगल में एक पान की दुकान है, दूसरी तरफ एक साइकिल वाला नट बोल्ट लेकर के बैठा हुआ है और साइकिल रिपेयर कर रहा है, पास में ही छोले भटूरे वाला है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर खड़े होते हैं, तो एक माहौल जो है वो एजुकेशन वाला बन नहीं पाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी जगह पर भेजना प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए रेजिडेंशियल एरिया में ही आप कोचिंग सेंटर ओपन कीजिए। लेकिन हाँ, इस बात को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिए, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी है, आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है, आप ज़्यादा रेंट पे नहीं कर सकते हैं और आपको किसी ऐसी
लोकेलिटी में ही मजबूरी की वजह से जगह मिल रही है तो आप कोशिश जरूर कीजिए, हार मानना नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट को थिकली पॉपुलेटेड एरिया में खोलते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास हर तरह के स्टूडेंट्स आएंगे। अगर वहाँ पर आप छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो जनरली पेरेंट्स छोटे बच्चों को सड़क पार करवा के दूसरी तरफ नहीं भेजना चाहते हैं। तो अगर आप किसी थिकली पॉपुलेटेड एरिया के बीचों बीच में खोलते हैं और आपके आसपास एक डेढ़ दो किलोमीटर के एरिया में कोई भी बड़ी या बिजी सड़क नहीं आती है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट है एम्बियंस। आपके कोचिंग सेंटर का एम्बियंस पूरी तरह से एजुकेशनल होना चाहिए। जब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में एंट्री करें तो लगे कि वो किसी एजुकेशनल प्लेस पर आए हैं। अपनी वॉल्स पर कुछ कोटेशंस लिख दीजिए, कुछ रेनाउंड पर्सनालिटीज की फोटोज लगा दीजिए, कुछ ऐसे गमले रख दीजिए जो कि इंटीरियर स्पेस में रखे जा सकते हैं, साइड में एक नोटिस बोर्ड लगा दीजिए, अपने कोचिंग सेंटर के एक पार्ट को रिसेप्शन बना दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके एम्बियंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस है। आपकी पैकेजिंग देखकर ही लोग अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या होगा। अगर आप किसी फंक्शन का कार्ड देते हैं तो फंक्शन का कार्ड देखकर ही लोग अंदाजा लगाते हैं कि आपका फंक्शन कैसा होने वाला है। तो रिप्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस को इग्नोर मत कीजिए। आज के जमाने में अगर हम पार्किंग की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। कोचिंग सेंटर का रिलेशन भी पार्किंग से है, आप कहेंगे कैसे? आजकल 8th 9th या उससे अपर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट में अपने व्हीकल से जाते हैं, वो स्कूटर मोटरसाइकिल या साइकिल से जाते हैं। अगर आप अच्छी खासी भीड़ अच्छी खासी स्ट्रेंथ अपने यहाँ रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका कोचिंग सेंटर किसी ऐसी लोकेलिटी में हो जहाँ पर स्कूटर मोटरसाइकिल या साइकिल खड़ी करने की जगह आपको मिल जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स काफ़ी दूर से आते हैं अगर उनको अपने स्कूटर मोटरसाइकिल या दूसरे व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी तो वो आपके कोचिंग सेंटर में नहीं आएंगे, आसपास के स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे। वैसे भी आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को समझाइए कि अगर वो वॉक करके आ सकते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी ऐसी लोकेलिटी में ही अपना कोचिंग सेंटर एस्टैब्लिश कीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम है, आप अभी शुरुआती लेवल में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप कोई भी लोकेलिटी चूज कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक सजेशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी होनी चाहिए अगर आप कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करके ही अपनी इनकम जनरेट कर सकना सॉरी लेकिन अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करके ही इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। बट आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप पहले किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, फिर ही आप अपना कोचिंग सेंटर ओपन कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस अपने काम में आपके काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, पूरी कोशिश करूंगा सबके सवालों के जवाब देने की। टिल देन, गुड बाय।